अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का कोई भी महीना हो और सूरज की तपश की वजह से दर्जा हरारत टेम्परेचर जितना भी ज्यादा हो जाए, पोल्ट्री बर्ड्स तादाद में कम हो या ज्यादा, जानदारों की रिहाइश का जितनी भी चौड़ी लंबी हो, ये एक ऐसा निज़ाम ऐसा सिस्टम है जो चिकन्स के लिए एक खुशगवार माहौल मुहैया करता है। बुनियादी तौर पर इसके तीन अज्जा हैं, पहला कूलिंग पैड्स, दूसरा पर्दे और तीसरा पंखे। जब मौसम मोतदिल हो, आबो हवा बर्ड्स के लिए साजगार हो, तब ये सिस्टम ऑफ रहता है और जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होने लगे, उसी वक्त अतराफ में मौजूद पर्दों को ऊपर उठाकर हाउस को बंद कर लिया जाता है। बल्ब ऑन करके जरूरत के मुताबिक दो या तीन या चार पंखे ऑन करके आने वाले चंद घंटों तक इमारत के अंदर मौजूद जानदारों को मुनासिब हवा के बंदोबस्त के जरिए गर्मी के तनाव से बचाया जाता है। और अगर दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होने लगे तो तब ना सिर्फ ज्यादा पंखे ऑन किए जाते हैं बल्कि साथ साथ पैड्स पे भी पानी के छिड़काव के लिए इस मोटर को ऑन किया जाता है जो इस खोदी से पानी उठाकर पैड्स पे फेंकती है। सामने की जानब से पंखे हवा खींचकर हाउस से बाहर निकालते हैं और ताजा हवा जब पैड्स के सुराहों से मुर्गीखाना में दाखिल होती है तो पैड्स पे मौजूद पानी में से कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाती है, जिससे नमी बरकरार रखने के साथ साथ हाउस ठंडा रहता है और बाहर गर्मी की शिद्दत के बावजूद अंदर पोल्ट्री बर्ड्स खुश रहते हैं। जो पानी होदी से मोटर के जरिए पैड्स तक जाता है, वही पानी नीचे गिरकर इन नालियों के जरिए दोबारा होदी में दाखिल होता है और इस तरह से साइकिल चलता रहता है। जब पानी की मिकदार कम होने लगे तो होदी में मजीद ताज़ा पानी भरना पड़ता है। इस सिस्टम की वक्तन फोक्तन सफाई करते रहना इंतहाई अहम तरीन मरहला है। आपके पास छोटी इमारत है, पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद कम है, तो आप भी इस तरह का या मिलता जुलता सिस्टम लगाकर अपने पास मौजूद जानदारों को मौसम गर्मा में खुश रख सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।